जी 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 नो प्रॉब्लम जी जी नो प्रॉब्लम जी जी चकने बड़े हैं जी। हाँ जी नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं राय तुषार पंजाब से और मेरी ये बॉलीवुड में पहली डेब्यू मूवी है इश्क सूफियाना, जिसका आज मुहूर्त है और शूट स्टार्ट हो रहा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा ये फर्स्ट स्टेप है बॉलीवुड में और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, यूथ की स्टोरी है और लव स्टोरी है जो कि मुझे खास करके पसंद है। तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मेहनत हो रही है इस मूवी पे। सुरजीत सिंह जो इसके प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो मेरे ख्याल से आप सबको मूवी बहुत पसंद आएगी। लेट की बात नहीं है, बात ऐसा है कि बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में मेरा कैरियर 97 से है और मेरी अब तक 14 एल्बम्स आ चुकी हैं मार्केट में और दो मूवीज भी पंजाबी में आ चुकी हैं। और हिंदी का था मेरे माइंड में कि जरूर करेंगे, पहले तो ये था कि मैं एज ए प्लेबैक सिंगर आऊंगा, लेकिन सुरजीत सिंह का थैंक्स, उन्होंने मुझे प्लेबैक सिंगर भी बना दिया और अपनी मूवी में एज ए मेन लीड एक्टर भी ले लिया। सुरजीत सिंह जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे पर्सन है और इश्क सूफियाना मूवी में उन्होंने मुझे जो किरदार दिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है जी। सॉन्ग्स तो मैं सुनाऊंगा लेकिन अभी नहीं सुना सकता क्योंकि उसकी डबिंग अभी बाकी है सॉन्ग्स की, तो जब डबिंग करेंगे प्रॉपर तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा क्योंकि दो सॉन्ग्स हैं इसमें मेरे और बाकी अलग अलग सिंगर्स ने गाए हुए हैं। पाजी आज के मुहूर्त का आगाज अपने गानों से ही कर दी। वो तो मैं फिर पंजाबी में ही कर सकता हूँ। जो मेरे पंजाब में सुपरहिट सॉन्ग है उनमें से एक फोक सॉन्ग मैं सुनाता हूँ। पखिया नुहाण दिए मेरे इश्क दे घुंघरू लावी, नाले सानू चली पखिया नाले मुंह च बुरकियां पावी। हाँ जी जी हाँ जी बिल्कुल। मैं बेसिकली पंजाब के गांव से हूँ, मेरे गांव का नाम है काला बकरा, वहीं पे मेरा जन्म हुआ और स्टडी मेरी फर्स्ट गांव में हुई, देन कॉलेज दुआबा कॉलेज जलंधर सिटी से हुई और 97 में मेरी फर्स्ट एल्बम में रिलीज हुई थी पंजाब में और तब से अब तक 14 एल्बम आ चुकी हैं, दो मूवीज आ चुकी हैं और अभी बॉलीवुड में कैरियर स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी लाइन लगा देंगे अभी तो। जो आपका म्यूजिकल सफर रहा है, क्या कहना है? वीडियो एल्बम अब तक मेरी 90 आ चुकी है और बहुत अच्छा सफर रहा है, दर्शकों ने बहुत 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 सारा प्यार दिया और मैं लाइव शोज करता हूँ पंजाब में भी और पंजाब से बाहर और स्टेट्स में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने शोज किए हैं और मेरे चल भी रहे हैं और इस बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की जो ये एंट्री है इसके लिए मैं सुजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी 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 हाँ बिल्कुल, नए साल में नई शुरुआत बहुत अच्छी बात है और सभी दर्शकों को मैं नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं और मैं बेनती करता हूं कि इश्क सूफियाना जो मूवी है इसे आप देखें, जरूर देखें और हमें प्यार दें और इन फ्यूचर भी हम कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। जी रोल रोल गीता जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामना की और आभार व्यक्त करते हैं आप यहाँ पे आए हैं। राज जुझार जी आज बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं, अपने करियर शुरुआत करने पंजाब में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना? मैं ये जो पिक्चर आज जो मुहूर्त है जिसका इश्क सूफियाना, इट्स अ म्यूजिकल एंड आई थिंक रोमांटिक मूवी और जिसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं सुरजीत सिंह जी और उनके एक्टर जो हैं राय जादा जी
और मैं बहुत बहुत ये इस मूवी के लिए शुभकामना देती हूँ, वेल विशेस देती हूँ कि ये मूवी बहुत ही चले और मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस में धमाका कर दे। और सुरजीत जी को क्या शुभकामना देंगे? बहुत की ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज बनाए और ताकि आगे जाके वो एक टॉप वन के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो। जी गीता जी आपके बारे में आज शुभकामना देना है, क्या कहना चाहेंगे? जी जी थैंक यू, इन्होंने अपने समय से हमारे लिए टाइम निकाला है और इनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, तो हम सारी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। आपका नाम और आज इसको सुफियाना का शूटिंग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्तों नमस्कार सभी मीडिया भाइयों को, मेरा नाम और मेरी हिंदी ये पहली मूवी है। इससे पहले मैं थिएटर का आर्टिस्ट रहा हूँ, दिल्ली में श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का पास आउट हूँ। वहाँ थिएटर में बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, बड़ी बड़ी दिग्गज जो भी थिएटर डायरेक्टर हैं, हबीब जी, कारण जी, रंजीत कपूर। और ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ ये सुरजीत सिंह के आशीर्वाद से कर रहा हूँ आप ये कहें, और हमारी शुभकामनाएँ हैं पूरी यूनिट के लिए और सभी के लिए कि काम अच्छा हो और एक अच्छी एंट्री इस फिल्म से हम सबकी हो और अच्छा काम करें। जी मेरा नाम रोहिणी मिश्रा है और इस फिल्म में मैं कैरेक्टर तो नहीं बता सकती, बट हाँ जब ये बॉक्स ऑफिस में उतरेगी तो काफी धमाका मचा देगी मूवी। आपने सिंगिंग भी किया हुआ है इसमें? हाँ मैंने एज ए प्लेबैक सिंगर इश्क सुफियाना से ही मैंने स्टार्टिंग किया अपना फ्यूचर, तो मैं एक टॉप लेवल पे खुद को देखना चाहूंगी, जो मुझे सुरजीत सिंह ने वो लेवल दिया है तो मैं चाहूंगी कि उसको मैं पूरा 100% करना चाहूंगी। आप मीडिया पर्सन हो लेकिन फिल्मों में एंट्री कर दी हो, क्या कहेंगे? जी मीडिया लाइन में इसलिए हमें बिकॉज वो मेरा करियर है और इसमें इंडस्ट्री में इसलिए है बिकॉज ये मेरी शौक है इसलिए। वेलकम। पूजा जी आपको ढेर सारी बधाई है और आज इस सुफियाना के शूटिंग से स्टार्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्रॉम 1.5 मंथ एंड सुरजीत सर इज बीइंग वेरी सपोर्टिव एंड बस आज से वी आर ऑल एक्साइटेड, हम अच्छे से मेहनत करेंगे। और पंजाब के सिंगर राजधार जी एंट्री किए हुए हैं, शेयर कर रहे हैं। आई एम वेरी ईगर टू वर्क विथ हिम, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर है एंड उनसे काम उनके साथ काम करके मैं बहुत कुछ सीखूंगी। मैं तो 1.5 महीने से कर ही रही हूँ, जहाँ तक मुझे सब बताया जा रहा है मैं अच्छे से कर रही हूँ एंड या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू माई बेस्ट। ओके थैंक यू। सबसे पहले बारी बारी से आप लोग अपना नाम बताएंगे और इस फिल्म में आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम जय दवे है और इस फिल्म में मेरा सेकंड लीड रोल है। मेरा नाम जिम्मी रंजन है, मैं राय जुझार जी का फ्रेंड बना। और कितना तैयारी की है इस फिल्म के लिए? तैयारी अच्छी की है, वर्कशॉप किया है मैंने। सुरजीत सर ने मुझे ब्रेक दिया है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही है। सुरजीत सर ने मैंने वर्कशॉप भी किया है, उन्होंने कराया और क्या बोलो, इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। इसको सुफियाना का आज शूटिंग स्टार्ट हो गई है और आपने राइटिंग किया हुआ तो आपकी लेखनी दर्शकों को कहाँ तक लेके जाएगी? जाहिर सी बात है कि इस फिल्म का जो टाइटल है इश्क सुफियाना, ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कहता है और पब्लिक दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की खासियत क्या है। ये एक प्रेम कहानी है, एक लव स्टोरी है, ऐसी लव स्टोरी जो फिल्म बेस्ड है। ये कहानी है एक फिल्म डायरेक्टर की और फिल्म देखने के बाद हर दर्शक यही कहेगा कि क्या फिल्म इंडस्ट्री पे बेस्ड करके भी ऐसी कहानी लिखी जा सकती है, ऐसी प्रेम कहानी हो सकती है। आज दिल को छूने वाली कहानियों की कमी है और उस बात को हम इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसी फिल्म होगी, ऐसी कहानी होगी जिसे देखने के बाद दर्शक आंसू भी बहाएंगे, हंसेंगे भी और आखिरकार